A very big hello to all my dear students. Welcome to the T2O series of ophthalmology on your favorite channel, You and I with Dr. Ruchi Rai. So, how are you all? So, आज हमारा English version है. So, better I start speaking in Hindi now. So, English version में, again we are today going to discuss and start with, हम लोग पहले पढ़ेंगे और पहले डिस्कस करेंगे क्लिनिकल विनियट, दैट इज केस स्टडी, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. क्लिनिकल विनियट में क्या है हमारे दिस टाइम, व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर अस, लेट्स सी. अ 22 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड टू द आई ओपीडी 2 days आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद डिक्रीज्ड विजन इन द राइट आई. ठीक है, सो 22 ईयर ओल्ड मेल है, डिक्रीज विजन हो रहा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद. राइट आई में जो विजन है वो कितना हो गया, हैंड मूवमेंट. ओके, ऑन एग्जामिनेशन विजुअल एक्यूटी इज हैंड मूवमेंट, लेफ्ट आई में नॉर्मल है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मोटिलिटी जो है दोनों में ही नॉर्मल है. ठीक है, अब प्यूपल्स पे आ जाओ. राइट आई में आपको RAPD मिल रहा है, रिलेटिव एफरेंट प्यूपुलर डिफेक्ट, सबको याद है ना, ये दिस इज फर्स्ट साइन ऑफ ऑप्टिक नर्व डिजीज. लेफ्ट आई नॉर्मल है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर दोनों में नॉर्मल है 14. कितना नॉर्मल प्रेशर होता है, 10 to 21. या एंटीरियर सेगमेंट की फाइंडिंग्स नॉर्मल आ रही हैं. आपसे पूछा गया है, फंडस फाइंडिंग पे आते हैं बिफोर कमिंग टू डायग्नोसिस. फंडस फाइंडिंग क्या कहते हैं, राइट आई में जिसमें आपका विजन कम हुआ, सुपरफिशियल रेटिनल इस्कीमिया इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियल पेरीपैपिलरी कैपिलरी डिस्ट्रीब्यूशन. पेरी पैपिलरी डिस्क के अराउंड रेडियली जो कैपिलरीज हैं उसमें इस्कीमिया हो रहा है, उसकी वजह से कुछ चेंजेस मिल रहे हैं. बताइए क्या डायग्नोसिस है. तो अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसमें मुझे इस तरह की पिक्चर मिलती है जिसमें एक आंख में RAPD है, विजन कम है, मेरा दिमाग जाएगा ऑप्टिक नर्व के ऊपर कि ऑप्टिक नर्व ट्रॉमा तो नहीं है, क्या और वजह हो सकती है. जब मैंने फंडस ऑब्जर्व किया और फंडस फाइंडिंग्स में हमें चेंजेस डिस्क के अराउंड मिले, तो हमारा जो डायग्नोसिस हमारी है वो किस तरफ गई, लेट्स सी. पहला लिखा हुआ है रेटिनल डिटैचमेंट, मैक्यूलर होल, पुश्चर्स रेटिनोपैथी, ट्रोमैटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी. रेटिनल डिटैचमेंट होता है ट्रॉमा की वजह से, तो टीयर मिलना चाहिए, है ना, होल मिलना चाहिए, रेटिनल होल मिलना चाहिए, फोटोप्सिया मिलना चाहिए, फ्लोटर्स मिलना चाहिए. मैक्यूलर होल है तो भी पेरीपैपिलरी चेंजेस तो नहीं होंगे ना, तो भी आपको मैक्यूला पे चेंज मिलेगा, मैक्यूला में होल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें डिस्क अराउंड चेंजेस मिल रहे हैं. और तो हमारा आंसर क्या हो गया, पुश्चर्स रेटिनोपैथी. इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको एग्जाम में पूछा जाता है क्या होता है पुश्चर्स. पुश्चर्स रेटिनोपैथी क्या है, ट्रॉमा की वजह से ब्लड वेसल माइक्रो बहुत स्मॉल कैपिलरीज सबके डैमेज होता है. जब ये डैमेज हो रही है ऑक्लूजन हो जाता है, ऑक्लूजन की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो गई, इस्कीमिया हो गया, इस्कीमिया मतलब लेस ब्लड सप्लाई, और उसकी वजह से चेंजेस आते हैं, और इसीलिए आपके रेटिनल चेंजेस और ऑप्टिक नर्व चेंजेस की वजह से आपको आपकी विजन कम हो जाती है. इज इट ओके, समझ आई बात. यानी ट्रॉमा, माइक्रोवास्कुलर डैमेज, उसकी वजह से एक ऑक्लूजन, और ऑक्लूजन की वजह से क्या हो रहा है हमारे इस्कीमिया, और वही इस्कीमिक चेंजेस हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये हो गए पुश्चर्स. फिर एक टर्म है पुश्चर लाइक रेटिनोपैथी, वो क्या चीज़ है. पुश्चर रेटिनोपैथी ट्रॉमा से होता है, और पुश्चर लाइक रेटिनोपैथी जब बोलते हैं तब कॉज कैन बी एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, प्री एक्लेम्प्सिया, सिस्टमिक वास्कुलाइटिस. तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये एक्यूट पैनक्रेटाइटिस सवाल आ चुका है. ठीक है, तो एयर एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, इसकी वजह से भी ऑक्लूजन्स हो सकते हैं, तब हम उसको बुलाते हैं पुश्चर्स लाइक रेटिनोपैथी. पुश्चर्स तो तभी बोलते हैं जब ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, हेड ट्रॉमा, चेस्ट ट्रॉमा. ये जो ऑक्लूजन होता है ये आइदर एम्बोलिज्म की वजह से हो रहा है या कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड होता है. इतने डिटेल में शायद ना भी जाओ तो चलेगा, बस जो बेसिक पैथोजेंसेस आपको समझाइए वो पता होनी चाहिए. फंडस पिक्चर में क्या मिलता है, जब हम पेरीपैपिलरी चेंजेस की बात कर रहे हैं हमें एक तो इस तरह की चीज़ मिलेगी. क्या है ये, नहीं ये कॉटन वूल स्पॉट्स नहीं है, ये आपको हल्के जो वाइट दिख रहे हैं इनको बुलाते हैं पुश्चर्स फ्लेकेंस. ठीक है, सो पुश्चर्स फ्लेकेन होता क्या है, वेरी स्मॉल कैपिलरीज जो है ना उनके ब्लॉकेज से जो होता है इस तरह की पिक्चर मिलती है. वेरी स्मॉल कैपिलरीज जब वो ब्लॉक होती है तो हमें मिलती है पुश्चर्स फ्लेकेंस. इसके अलावा हमें क्या मिल सकता है, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, इस तरह की चीज़.
ये हो गए हमारे कॉटन वूल स्पॉट्स. क्या होते हैं कॉटन वूल स्पॉट्स? कॉटन वूल स्पॉट्स होते हैं सॉफ्ट एक्सिडेट जिसमें एक्सोनल इन्फार्क्ट, डेड एक्सॉन्स है ना, जो डेड एक्सॉन्स हैं उन्हीं को बुलाते हैं हम कॉटन. किसके एक्सॉन्स? गैंग्लियन सेल के, नर्व फाइबर लेयर है ना. सो वो डेड एक्सॉन्स जो है ये हो गए सॉफ्ट एक्सिडेट या कॉटन वूल स्पॉट. लेकिन इस तरह की जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये वाले ये सॉफ्ट एक्सिडेट नहीं है. ये क्या है? जो अभी हमने पढ़ा था पुश्स फ्लैकेट्स, ये हो गए आपके पुश्स फ्लैकेट्स. ओके, तो सॉफ्ट कॉटन वूल स्पॉट्स को हम सॉफ्ट एक्सिडेट्स भी कहते हैं. और क्या मिल सकता है हमें इसमें? देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे, हमें मिलते हैं फ्लेम शेप्ड हैमरेज. फ्लेम शेप्ड हैमरेज जो होता है ना, वो आपका मोर अराउंड द नर्व फाइबर लेयर, सुपरफिशियल हैमरेज होता है, उसको बोलते हैं फ्लेम शेप्ड हैमरेज. ठीक है, तो ये फाइंडिंग हो गई आपके पुश्स रेटिना. अगर हम मैक्युलर होल की बात करें, रेटिनल डिटैचमेंट की बात करें, तो उसके फंडस पिक्चर कैसे मिलेंगे? ये है मैक्युलर होल, पेरीपैपुलरी फाइंडिंग नहीं है. यहाँ पे ही आपको जो दिख रहा है ये है मैक्युलर होल. ये भी आपको आना चाहिए रिकॉग्नाइज करना क्लिनिकल स्लाइड्स. और ये वेरी टिपिकल, अगर आप ओसीटी करते हो ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, तो एक होल में इस तरह से आपको डिफेक्ट दिख रहा है. तो ओसीटी पे आपको मैक्युला का फुल थिकनेस होल कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, और ये आपको क्या मिल रहा है? अगर इस तरह का ट्रॉमा होता है और आरडी होती है, तो इस तरह से जॉइंट रेटिनल टियर मिल सकता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे. ये हो गया हमारी केस स्टडी. अब लेट्स रीड फ्यू क्वेश्चंस. सबसे पहला इमेज में आप क्या देख रहे हो? क्लियर है, कैटरैक्ट दिख रहा है, कैटरैक्टस चेंजेस. क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ 65 ईयर ओल्ड डायबिटिक वुमेन प्रेजेंटिंग विद पेनलेस लॉस ऑफ विजन, ऑक्युलर फाइंडिंग ये है, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट. तो डायग्नोसिस क्या है? पहला ऑप्शन ज़ोनुलर कैटरैक्ट एंड लेंस. ज़ोनुलर कंजेनाइटल कैटरैक्ट होता है, लैमेलर कैटरैक्ट होता है. यहाँ पे डेफिनेटली 65 ईयर ओल्ड डायबिटिक वुमेन की बात हो रही है. दूसरा रोजेट शेप, रोजेट तो ट्रॉमा में मिलेगा और इसका डायबिटीज से मतलब नहीं है. सनफ्लावर कैटरैक्ट, ये आपको पता है, ये हमें विल्सन्स डिजीज में मिलता है, या आप बोल सकते हो कैल्कोसिस, है ना, सनफ्लावर कैटरैक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा? इमैच्योर कैटरैक्ट विद फेको एमल्सिफिकेशन. ठीक है, तो मैच्योर हो या इमैच्योर कैटरैक्ट, ट्रीटमेंट क्या बोलोगे? फेको एमल्सिफिकेशन विद इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक रेड आई है और वर्टिकली ओवल डायलेटेड प्यूपिल दिख रही है. ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, ये देखिए प्यूपिल इज वर्टिकली ओवल डायलेटेड, रेड कंजेस्टेड आई. तो क्या कॉज हो सकता है? 50 ईयर ओल्ड फीमेल, हाँ मिडिल एज फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन मिलता है. एक्यूट पेनफुल रेड आई, एन इमेज इज शोन है, वॉट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. तो इट्स वेरी सिंपल, क्या आंसर करना चाहिए? एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लॉकोम, है ना. यूवीआइटिस होती तो कैसा होता? प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड होता. यहाँ पे कंजेस्टेड आई है बट वर्टिकली ओवल डायलेटेड प्यूपिल है, तो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा ही मार्क कर. ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट. विच आर द फॉलोइंग रिफ्रैक्टिव एरर्स एसोसिएटेड विद द इमेज. क्या दिख रहा है आपको इमेज में? फोकसिंग प्रॉब्लम है ना, हेजी है. सो जब हेजी है, फोकसिंग प्रॉब्लम है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एस्टिगमैटिज्म, जहाँ पे हमें सिंगल फोकल पॉइंट नहीं मिलता, मोर देन वन फोकल पॉइंट मिलते हैं, तो एस्टिगमैटिज्म, डिफरेंस ऑफ कर्वेचर बिटवीन द टू प्रिंसिपल एक्सिस, पढ़ा है ना. तो उसमें हमें, अगर हम बात करें एस्टिगमैटिज्म की, अगर दिखाएं, तो अगर ये कॉर्निया का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंगे, तो एक कोई एक कर्व ज़्यादा है दूसरे से. सो जो ज़्यादा कर्व्ड है उसमें पावर ज़्यादा होगा, जो कम कर्व्ड है उसमें कम. मोर द कर्वेचर मोर द रिफ्रैक्टिव पावर, पता होना चाहिए. ये वाइस वर्सा भी हो सकता था, वर्टिकल के बदले हॉरिजॉन्टल कर्वेचर ज़्यादा हो जाता और वर्टिकल कम, एनीथिंग. ठीक, सो अपने आप को रिफ्रैक्टिव एरर्स आपको रिवाइज करने हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे इन्फेंट. ये बताइए क्या पिक्चर है? तो ये आपको जो मिल रहा है ये क्या है? ये बुफथेलमॉस है ना, एनलार्जमेंट ऑफ द आई बॉल दिख रही है क्लियरली, है ना, हेजी कॉर्निया दिख रहा है. तो ये इन्फेंट है विद ब्रॉट विद द कंप्लेंट ऑफ एक्सेसिव वाटरिंग एंड फोटोफोबिया. वाटरिंग फोटोफोबिया की तरह वाटरिंग के साथ कंप्लेन करके अगर एक बच्चा आता है, तो आपके दिमाग में एक तो पहली चीज़ है कंजेनाइटल ग्लॉकोमा, दूसरी चीज़ याद रखना आप
ऑफ्थाल्मिया न्यूनाटोरम, तीसरी चीज कंजेनाइटल डेक्रायोसिस्टाइटिस। ये तीन डीडी आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। इस एज ग्रुप में यही तीन मेन कॉजेज होते हैं जब बच्चा वाटरिंग के साथ प्रेजेंट करता है। अब वाटरिंग के साथ फोटोफोबिया जो हो रहा है, मतलब कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट है, देन आंसर क्या हो जाएगा? कंजेनाइटल ग्लॉकोमा। ठीक, ओके। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमनली पूछा गया है, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, कंजेनाइटल ग्लॉकोमा के ऊपर ये वाली क्लिनिकल स्लाइड बहुत बार आई है। ओके, अब इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम देख रहे हैं इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट, ओके, इंटैक्स। सो दिस इंटैक्स क्या कहाँ पे यूज है, इंटैक्स हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ पे ट्रीट, क्या चीज़ ट्रीट करने के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा केराटोकोनस। ठीक है, सो इस प्रोसीजर में मेनली हम लोग केराटोकोनस में यूज करते हैं। ओके, अगेन टू ऑल्टर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। मैं क्या से इंटैक्स का क्वेश्चन मैंने मेंशन भी किया था कि ये आईएनआईसीटी का क्वेश्चन है। ये आपके एफएमजी में पूछा गया था कि आपका पेशेंट है विद अ फॉरेन बॉडी, इस तरह से आर्म फॉरेन बॉडी आफ्टर वेल्डिंग देयर इज अ ट्रॉमा, अब बताइए आप क्या करो। तो जब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, को स्लिट लैम्प पे उसका डेप्थ देखेंगे कि कितना कॉर्नियल डेप्थ तक आपकी फॉरेन बॉडी इन्वॉल्व है, और अगर वो सुपरफिशियल है तो 26 गेज नीडल से बस आपको उसको निकालना है और उसके बाद मलहम लगा के पैड एंड बैंडेज, करेक्ट। सो यही क्वेश्चन है, अ पेशेंट प्रेजेंटिंग टू यू विद पेन एंड रेडनेस इन राइट आई फॉलोइंग इंजरी ड्यूरिंग वेल्डिंग। नाउ इन ऑन एग्जामिनेशन द इमेज एज सीन बिलो इज ऑब्जर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोक्सीमेट नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग दिस। सो आपके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बोलोगे, रिमूवल बाय 24, सपोज यू हैव टू फर्स्ट रिमूव बाय 24 26 गेज नीडल। ठीक है, अगेन आप सबको पता है ये क्या देख रहे हो आप बताओ, अ चाइल्ड हैज एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वी आर लुकिंग एट केएफ रिंग। केएफ रिंग के पॉइंट्स जो कि बार 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 हर एग्जाम में पूछे गए हैं, क्विकली रिवाइज कर लो। केसर फ्लेशर रिंग जो है वो कॉपर डिपोजिशन होता है डेस्मेंस मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया पे। उसके अलावा पूछा गया है कि ये स्टार्ट होता है अपर एंड लोअर सेगमेंट लाइक दिस, और बाद में धीरे धीरे सर्कल बनता है। ठीक है, जस्ट लाइक आर्कस सिनालिस, आर्कस सिनालिस में भी ऐसा ही होता है, पहले ऊपर बनेगा सुपीरियरली, फिर नीचे बनेगा, फिर पूरा गोला बनेगा। उसी तरह से आपका विल्सन डिसीज या ये के एफ रिंग में भी यही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा व्हाट नेक्स्ट, कि ऑल पेशेंट्स जिसमें भी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं विल्सन डिजीज में, उन सब में मिलेगा के एफ रिंग, लेकिन हेपैटिक कॉम्प्लिकेशन वाले मरीज में, सब मरीजों में के एफ रिंग नहीं मिलता है, वो अराउंड 65-67% ही पेशेंट्स में मिलेगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपको याद होना चाहिए, जिससे कि अब कुछ भी आपसे पूछे तो आपको पता हो केएफ रिंग के बारे में। तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस वाले सारे मरीज, ऑल पेशेंट्स विल प्रेजेंट विद केएफ रिंग, बट अगर हेपैटिक इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो हेपैटिक कॉम्प्लिकेशन में वो आपको बोलना है खाली अराउंड 67% पेशेंट्स में केएफ रिंग मिलेगा, सब पेशेंट्स में नहीं होगा। ठीक, और सबको पता है ना व्हाट इज फ्लेशर्स रिंग, आयरन डिपोजिशन है ना, कहाँ पे मिलता है, केराटोकोनस। फ्लेशर्स आयरन जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, एपिथीलियम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, इमेज एक देख रहे हो जिसमें कंजेशन है और एक में देख रहे हो कि ब्लांचिंग हो गई है ना, थोड़ा नॉड्यूल कम प्रोमिनेंट है बट हम नॉड्यूलर ही बात करें। तो यहाँ पे हमें रिवाइज करना है अपना फिनाइल एफरीन टेस्ट। फिनाइल एफरीन टेस्ट में क्या है, एक पेशेंट आपके पास आता है विद नॉड्यूलर इरेशन और उसमें कंजेशन है, अब आपको समझना है कि ये क्या है, कंजंक्टिवाइटिस है कि एपिस्क्लेराइटिस है कि स्क्लेराइटिस। आप क्या करोगे, 1% फिनाइल एफरीन डालो, अगर ब्लांचिंग हो गई, रेडनेस पूरी गायब हो गई, इसका मतलब सुपरफिशियल है बिल्कुल, ये कंजंक्टिवाइटिस है, तो ये फ्लेक्टेनुला कंजंक्टिवाइटिस इसका आंसर हो गया। अगर उससे नहीं हुई और आपने 10% बढ़ा के डाला, अब देखा तो डालने के बाद ब्लांचिंग हो रही है ना, ब्लांचिंग ऑफ वास्कुलरिटी, तब ये एपिस्क्लेराइटिस है, तो आंसर हो जाएगा नॉड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस। लेकिन अगर इसके बावजूद नॉड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस, लेकिन अगर मान लीजिए आपको 10% डालने के बाद भी कोई ब्लांचिंग नहीं होती, इसका मतलब ब्लड वेसल्स जो बहुत डीप है वो इन्वॉल्व है, डीपर एपिस्क्लेरल प्लेक्सस इन्वॉल्व है, जो डीपर प्लेक्सस इन्वॉल्व किस में होती है, डीपर स्ट्रक्चर के इन्फ्लेमेशन में होगी, यानी स्क्लेराइटिस, तब हमारा आंसर होता। अगर नो ब्लांचिंग होता तब हमारा आंसर क्या होता, स्क्लेराइटिस। ठीक है, ओके।
ये क्या बताइए, इमेज क्या है? एडहेशन और टू लिड्स क्या होती है? बिटवीन द टू लिड एंड काइलोग्राफा। और अगर बल्बर और पैल्पेबल कंजंक्टिवा का एडहेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिम्प्लेफ्रॉम। तो यहाँ पे ये फिलीफॉर्म टाइप का एंकाइलोब्लेफ्रॉम, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ऑफकोर्स कंजनाइटल टोसिस तो नहीं है ना, कंजनाइटल ब्लेफेरोफाइमोसिस भी नहीं है। ब्लेफेरोफाइमोसिस क्या होता है? जब हॉरिजॉन्टल लेंथ कम होती है, ब्लेफेरोफाइमोसिस सिंड्रोम, आप रिवाइज कर लेना। आई थिंक मैंने ये लिया हुआ है पिछले वीडियो में, ब्लेफेरोफाइमोसिस सिंड्रोम स्पॉट डायग्नोसिस वाली वीडियो में डिस्कस्ड है। अब आइए इस क्वेश्चन पे, ये आपको क्या दिख रहा है? राइट आई कन्वर्जेंस स्क्रीन दिख रही है। आपसे पूछा गया है कि दिस स्मॉल चाइल्ड हु केम विद दिस आई एग्जामिनेशन में ये फाइंडिंग है, बताइए कि ये किस कंडीशन से एसोसिएटेड है। तो ये किस कंडीशन से एसोसिएटेड है? ऑफकोर्स सोचते हैं कौन से रिफ्रैक्टिव एरर होता है। अगर ईजोट्रोपिया जो है, अगर एकोमोडेटिव टाइप हो जिसमें एकोमोडेशन की ज़्यादा होने की वजह से आँख अंदर चली जाए तो वो एकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया कहलाता है। एकोमोडेटिव में कौन से रिफ्रैक्टिव एरर? इट इज हाइपरमेट्रोपिया। पढ़ा है ना आपने कि एकोमोडेटिव जो एकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया हो गया वो आपका ये तीन तरह का है, या तो कॉज रिफ्रैक्टिव है यानी अनकरेक्टेड हाई हाइपरमेट्रोपिया। हाई हाइपरमेट्रोपिया अगर आपने करेक्ट नहीं किया तो आपको क्यों कन्वर्जेंस स्क्वेंट मिल रही है? मेरे साथ सोचो, हाइपरमेट्रोपिया मतलब लेस पावर इन द आई। तो अगर बच्चे ने चश्मा नहीं लगा रखा है, हाइपरमेट्रोपिया नहीं करेक्टेड है, तो उस लेस पावर को कंपनसेट करने के लिए हमारी आँख क्या करेगी? हमारी आँख के पास एक रास्ता और है, और वो क्या है? कैसे वो पावर बढ़ा सकती है अपने आँख? अपने आप एकोमोडेशन से। जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलरी मसल होती है, रिलैक्सेशन ऑफ जोनियल होती है, तो क्या होता है कि लेंस के कर्वेचर बढ़ जाता है। तो जब वो अपने मोर कर्वेचर से जब रिफ्रैक्टिव एरर बढ़ सकता है, तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, इस कमी को भरने के लिए आपकी आँख ज़्यादा एकोमोडेशन एग्जर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आपको हाई हाइपरमेट्रोपिया है जिसमें कि जो आपने करेक्ट नहीं किया, जब चश्मा नहीं लगाया, पावर आँख में कम, उसको कंपनसेट करने के लिए आई ने बहुत सारा एकोमोडेशन एग्जर्ट कर दिया। जब एग्जर्ट कर दिया तो क्या? तो भाई वापस आओ अपने नियर रिफ्लेक्स पे। नियर रिफ्लेक्स क्या कहता है? जब हम दूर से पास देखते हैं तो आँख में तीन चीज़ें होती हैं, कन्वर्जेंस, मियोसिस, एकोमोडेशन। तो जब बहुत सारा एकोमोडेशन होगा तो कन्वर्ज हो जाती है ना आँख, इसीलिए आपको ईजोट्रोपिया मिलता है। इसलिए क्या आंसर होगा? हाइपरमेट्रोपिया। हाई अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया, पावर को लेस हो गया आँख में, उसको कंपनसेट करने के लिए एकोमोडेशन एग्जर्ट किया, ज़्यादा एकोमोडेशन एग्जर्ट होने से आँख अंदर चली गई। ये है पूरी कहानी, मैंने ऑलमोस्ट 3 बार रिपीट कर दिया है अभी के अभी, है ना? ओके, अब दूसरा टाइप क्या होता है? हो सकता है उसको हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, नॉन रिफ्रैक्टिव टाइप। अब क्यों एकोमोडेशन ज़्यादा हो रहा है भाई? अब क्या होता है इन पेशेंट्स में? AC/A रेशियो ज़्यादा है। द चाइल्ड इज बॉर्न, ये मोटर इम्बैलेंस होता है, द चाइल्ड इज बॉर्न विद मोर AC/A। ये क्या चीज़ है AC/A? एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस ऑन पर एकोमोडेशन, अर्थात आप हर एकोमोडेशन पे कितना कन्वर्जेंस होगा, करेक्ट? अगर थोड़ा ही एकोमोडेशन पे एकदम से आँख अंदर चली जा रही है, दैट मीन्स दिस इज अ हाई रेशियो, ठीक। सो हाई रेशियो में अगेन द प्रॉब्लम इज, अब कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ तो आपने चश्मा दे दिया, हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट कर दिया, तो भाई आपका एकोमोडेशन रिलैक्स हो गई तो आपकी आँख सीधी हो गई। अब आइए नॉन रिफ्रैक्टिव पे, जब AC/A रेशियो ज़्यादा है, इसमें क्या करेंगे? वो सारी चीज़ें करेंगे जिसमें एकोमोडेशन एग्जर्ट ही बहुत ज़्यादा। क्या कर सकते हो? नियर ग्लासेस दे दो या बाहर से पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन अपने आप में एकोमोडेशन एग्जर्ट करती है, तो सेंट्रल इम्पल्स जो एकोमोडेशन का जा रहा है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये रोल है पाइलोकार्पिन का। पाइलोकार्पिन पेरिफेरल एकोमोडेशन कर रही है, तो सेंट्रल ब्रेन का जब इम्पल्स कम जाएगा तो कन्वर्जेंस नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपका नॉन रिफ्रैक्टिव टाइप वेयर AC/A रेशियो इज मोर। अब तीसरा मिक्स टाइप होता है जिसमें दोनों फैक्टर हो सकते हैं। तो ये आपका क्विक रिवीजन था अबाउट एकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया। समझ आ गया? हाँ, तो यह आंसर होगा
हाई पर रुक गया। तो ये एक क्विक डिस्कशन था, आई होप आपको समझ आया और आपने एंजॉय किया। चलिए अब हम एंड करेंगे डिस्कशन बाय थॉट फॉर द डे। तो समझते हैं थॉट फॉर द डे विक्ट्री। लेट्स रिफ्लेक्ट ऑल ऑफ यू, ध्यान से सुनेंगे। विक्ट्री इन लाइफ इज डिसाइडेड बाय दैट लास्ट कंसेंट्रेटेड बर्स्ट ऑफ एनर्जी फिल्ड विद द रिजॉल्व टू विन। समझ आ रहा है, कुछ फील हो रहा है, भाग मिल्खा भाग। हाँ, रेस के अंत में हमेशा याद रखो एक चीज कि आपने कितने भी मेहनत की हो, अगर आप वो लास्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी नहीं दोगे अपने एग्जाम से पहले या अपने किसी भी चैलेंज से पहले, तो विक्ट्री आना मुश्किल है। रेस के जितना भी एंड ऑफ रेस की तरफ जाते हो, आपकी स्पीड बढ़ती जानी चाहिए। ओके, क्या आप कर रहे थे वो छोड़ दो, आज अभी से वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी के साथ आपको एवरी डे थोड़ा ज़्यादा भागना है, 10 मिनट ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, करेक्ट। सो दैट लास्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू विन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, एक और चीज़, बहुत लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इंग्लिश वर्जन, और कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि आप इंग्लिश को छोड़ दीजिए और लेट इट ओनली स्टिक टू इंग्लिश। तो आप लोग काइंडली मुझे DM करो और बताओ मुझे, तो लेट मी सी अगर ऐसा कुछ होगा तो वॉट एवर। मैं सोच रही हूँ कि एक वोटिंग कराऊँगी अपने टेलीग्राम पे और उसमें देखते हैं आप लोग के क्या विचार हैं और हाउ मच यू कंफर्टेबल, अगर इंग्लिश से कंटिन्यू करना है कि नहीं। अभी के लिए मैं कुछ मंथ सोच रही थी कि इसको करके देखूँ किसको कैसा लगता है, बट ऑफकोर्स आई एम वेलकम टू ऑल द व्यूज़। आप ही लोगों के लिए ये चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ बैठ के भी, ये सारा कुछ एफर्ट जो कर रही हूँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका क्या फीडबैक है तो बताइए मुझे, और मैं जल्दी ही टेलीग्राम पे भी वोटिंग भी कराती हूँ, तो आप लोग मुझे बताओ कि कैसे क्या अब कंटिन्यू करना है इंग्लिश वर्जन या नहीं करना, ठीक है, या आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग।